गर्मी का सितम जारी है, पारा 45 के पास पहुंच गया। ऐसे में जिला अस्पताल में डायरिया और बुखार के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालत यह है कि अस्पताल मरीजों ऐसे ही फुल नजर आ रहा, दिन भर मरीजों का तांता लगा रहता है। 24 घंटे डायरिया एसआई पीड़ित पुलिस कर्मी समेत 45 एसआई अधिक लोगों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जिसके कारण अस्पताल के ओपीडी और वार्ड भी फुल है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बीमारियां अधिक हो रही है। बीमारियों एसआई बचाव करने के लिए भर पेट भोजन करके निकली, सूती कपड़ा पहने कर निकली, घर में साफ सफाई रखी, दूषित जल और खाना न खाएं, बाजार की तली चीज न खाएं। जिला अस्पताल में कई अव्यवस्था सामने आई है। अल्ट्रासाउंड विभाग में नहीं किए जा रहे था अल्ट्रासाउंड, मरीज दर दर भटक रहे था तीमारदारों ऐसी, विभागीय कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं रहा। ग्राम अर्जुनाह के निवासी विनय मिश्रा ने बताया कि बार बार हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है, रिपोर्ट नहीं मिलती है। हम ही मरीज के साथ 25 किलोमीटर दूर ऐसे ही आते हैं, खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? विनय मिश्रा जी। कहाँ से आए हैं? अर्जुना से। क्या किस लिए आए हैं? अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। 16 तारीख को आए थे तो उन्होंने वापस भेज दिया, कह रहे थे आज साफ नहीं आ रहा, पेट साफ नहीं। मंगलवार को आज मंगलवार को आए तो फिर से आ गए। किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? पास में हैं क्या? यहाँ डॉक्टर साहब नहीं है तो क्या कारण है? क्या काम? किसका? यहाँ अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड में क्या डॉक्टर साहब नहीं है उपस्थित? तो क्या अवकाश में गए हैं? अवकाश बढ़ रही है और इसके बारे में मरीजों को या जनता के लिए क्या संदेश थोड़ा सा? इस समय गर्मी का मौसम है इसलिए बीमारियाँ जो है ज्यादा है, इसमें ज्यादातर सबसे ज्यादा बीमारी डायरिया की है और हाई ग्रेड फीवर की है। डायरिया में सबसे प्रथम तो बाहर का खाना न खाएँ, कटे फल ना खाएँ, घर तेल तेल मसाला वाली चीज़ ज़्यादा ना खाएँ और घर से बाहर जब निकलें तो सूती कपड़े पहन निकलें और टोपी या चश्मा काला चश्मा लगा कर निकलें और पानी साथ में ले चलें और घर पर खाना खा चलें।